ट्रेंडिंग ट्रेंड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट टू करेंगे। चलते हैं हमारा पहला सवाल पर। वैल्यू ऑफ 2187 टू द पावर 3/7, इस क्वेश्चन को कैसे करें चलिए देखते हैं। देखो हमारा घातांक में जो 3/7 है इसमें जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है, 3 है। इस 3 को इसे इस 2187 को इससे बनाना है कि जिससे कि घातांक में 7 आएगा। 7 आने से क्या होगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 2187 का हम ब्रेकिंग करेंगे। ब्रेक करने से क्या निकला, 3 to the power 7, 3 to the power 7 2 to the power 3/7। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 into 3/7, यहाँ पे 7 7 कट गया। तो क्या बचा, 3 to the power 3, 3 to the power cube बचा। तो आंसर क्या होगा, 3 to the power cube मीन्स 27। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27, जो हमारे ऑप्शन बी पे है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुपमा टेक्स 125 स्टेप्स इन वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, व्हाट डिस्टेंस वुड सी कवर इन 315 स्टेप। इसमें आपको क्या बोला है, अनुपमा लेता है 125 स्टेप पे 100 मीटर चलता है, तो वो 315 स्टेप पे कितने मीटर तक जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो अनुपमा 125 स्टेप्स पे जाता है 100 मीटर, तो 1 स्टेप पे कितना जाएगा, 100 by 125। तो 315 पे कितना जाएगा, 100 by 125 into 315। तो हमारा आंसर क्या निकला, 252 मीटर आंसर निकला। तो चल देखते हैं किस ऑप्शन पर है, हमारे ऑप्शन ए पर है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगले नंबर पर। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 40 बॉयज इज 16.95 ईयर्स, बट आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए न्यू बॉय द एवरेज एज इज इंक्रीज टू 17 ईयर्स, देन द एज ऑफ न्यू बॉय इज। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो एक क्लास में 40 बॉयज है, उनका टोटल एवरेज बॉयज है कितना, 16.95 ईयर्स। सबका एवरेज ईयर कितना हुआ, 16.95। और इसके बाद क्या हुआ, एक नया लड़का एडमिशन हुआ, इसलिए क्या हुआ, ये 41 बॉयज का एवरेज कितना हो गया, 17 ईयर्स हो गया। तो अगले क्वेश्चन क्या पूछा है, ना न्यू बॉय का एज कितना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो क्लास में टोटल बॉयज थे 40 बॉयज, उनका टोटल एज कितना हुआ, 16.95 into 40, जो लोग कितना हुआ, 678 ईयर्स हुआ। जब उसके साथ एक नया लड़का ज्वाइन हुआ तो क्लास में टोटल बॉयज कितने हुए, 41 बॉयज, और उनका एवरेज कितना हो गया, 17। तो टोटल एज कितना हुआ, 41 into 17 कितना हुआ, 697 ईयर्स हो गया। तो अब के एज और पिछला एज उनको माइनस करने से नए बच्चे जो एडमिशन लिया था उनका ईयर कितना होगा, 19 ईयर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 ईयर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी पे, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ए ट्रेन ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन 45 मिनट्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, क्या,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे स्पीड कितना है 75 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दिया हुआ है 45 मिनट। इसको हमको आवर पे कन्वर्ट करना होगा। कैसे क्यों करेंगे? क्योंकि ऊपर किलोमीटर पर दिया हुआ है तो हम टाइम को आवर पर करेंगे। आवर करने के लिए हम 60 पे डिवाइड करेंगे। 60 पे डिवाइड करने से पर हमारा क्या आया 3/4 आया। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा कितना है 75 इंटू 3/4। तो हमारा आंसर क्या हुआ 225/4 इज इक्वल टू 56.25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 56.25 किलोमीटर। आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो हमारा 16 नंबर का सही आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन राइट हुआ। चलते हैं अगले सवाल पर। लिखा है कंप्लीट द सीरीज 3, 5, 9, 15, 23 देखो 3 से 5 कितना गैप हुआ 2, 5 से 9 4, 9 से 15 6, 15 से 23 8 हुआ। तो 23 से यहाँ कितने गैप होंगे 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 + 10 कितना हुआ 33। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नाम ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। देखो 2197 ये जो 3 लिखा है इसका अर्थ क्या है, ये क्यूब रूट आपको मांगा है। देखते हैं किसे करेंगे। आप इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक सिर्फ एक नंबर पे होगा वो क्या 13। देखो 13 से करेंगे तो ये निकल आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा है HCF ऑफ 30 और 45 का HCF क्या होगा। आपको तो पता होगा HCF क्या होता है, जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। हम यहाँ पे क्या लेंगे 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 2 और 3 और किसी मल्टीप्लाई किसी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वोमैन बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 330 गेन 20%, फाइंड आउट इट्स कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो एक वोमैन है वो एक आर्टिकल को सेल करते हैं कितने रुपए पर 330 रुपए पर सेल करते हैं। उसको सेल करने के बाद वो 20% गेन करते हैं। गेन का मतलब क्या होता है लाभ। तो पूछा है फाइंड आउट इट्स कॉस्ट प्राइस, इसका क्रय मूल्य क्या होगा। ये जब 20% गेन क्या है, ये क्या है 120% हुआ कितना 330। तो यहाँ पे 1% क्या होगा 330/120। देखो इसका सवाल है मुझ पर, देखो इसका 1% क्या हो गया 330/120। तो 100% का मीन क्या होता है क्रय मूल्य। तो 330/120 × 100 तो हमारा आंसर क्या निकलाया 275। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा है देखो कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 5000 पर 2 ईयर एट 6% पर annum।
इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट को करने के लिए आपको एक ही फार्मूला लगाना है, वो क्या है? पी टी आर बाई 100। पी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। टी का मतलब टाइम। आर का मतलब रेट। तो देखते हैं किसे करेंगे इस फार्मूले को डालकर। देखो पी के जगह पर हम लगा लिए 5000। टी टाइम कितने दिए हुए हैं? 2 ईयर। रेट कितना? 6% डिवाइड बाय 100। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 600 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 600 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे अगले सवाल। इफ 15 persons कैन डिग ए ट्रेंच इन 10 days, हाउ मेनी डेज विल 10 persons टेक टू डू द सेम वर्क। यहाँ पे सवाल क्या पूछा है? देखो यदि 15 लोग एक गड्ढे को खोलने के लिए 10 days लेते हैं, तो उसी गड्ढे को खोलने के लिए 10 persons कितने काम करेंगे, कितने दिन में? तो हमारे पार्ट वन में ऐसे सवाल कर चुका हूँ, पहले देखिए और इसका आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैं बता चुका हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है, m1d1 = m2d2। इनका मतलब क्या है? मैन, मैनर, पर्सन। डी का मतलब डे। तो इस पे क्या पूछा है? सेकेंड डे पूछा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोल्यूशन देख लो, पे आंसर क्या हो जाएगा? 15 days हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको कोई भी डाउट होगा इस पे नंबर पे तो आप कमेंट कीजिए और एटलीस्ट एक लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, इफ x = 1, y = 4, z = 2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x³ + y² + z² - 2xyz। यहाँ पे आपको क्या करनी है? सबके जगह पर वैल्यू डालनी है। चलिए देखते हैं, पहले आप खुद कीजिए उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो क्या हुआ, देखो x³, x के पास हम क्या डाले? 1, और y की जगह 2, z की जगह 2। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल पर। ए 300 meters लॉन्ग ट्रेन पासेस ए पोल इन 20 seconds, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मैं आपको एक फार्मूला बता चुका हूँ, स्पीड = डिस्टेंस बाई टाइम, वैसे ही होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कैसे निकलते हैं। देखो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ? 300 मीटर। ये पोल को पास करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकेंड, मतलब इसको टाइम लग रहा है। तो हम जानते हैं कि speed = distance by time। तो हमारा स्पीड कितना निकल आया? 15 meters per second। पर देखो हमारा आंसर में क्या आया है? किलोमीटर पर आवर पे आंसर दिया है। तो हम मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मैं 18/5 गुना करेंगे। तो 15 से जब हम 18/5 को गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 54 km/h आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या हुआ?
सर्कल, देखो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस किसको कहेंगे, इसको इसको हम सर्कमफेरेंस कहेंगे, मतलब ये कितना हुआ 2 पाई, आर 2 पाई आर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में दीजिए, और आप सभी लोगों एक शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स।